पूरा टोपिया लगा लेता छप्पा जा बहुत आर, ना सके बहुत आराम मिला पर ना सके हाँ सर हम लोग छोटी मूर्ति पहले रखते थे और अपन कीर्तन भजन करते थे, उसके बाद में लेके जाते थे यानी कटरा घाट शुरुआते थे चुप्पे से, वो में कोई विवाद होता नहीं था। हमने अपनी बड़ी मूर्ति रख दिया, बड़ी मूर्ति रखने के बाद हमको सहयोग मिला, विधायक जी ने कहा कि ठीक है बड़ी मूर्ति रखा, आपकी मूर्ति कटरा घाट जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों को शांति मिल गई, हमें परमिशन क्या विधायक जी से मैंने बताया, कहीं कोई बात नहीं, परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग साथ में हैं। उसके बाद में जब कल विसर्जन का समय आया तब उन लोगों ने यहाँ पे जाके बैरियर लगा दिया, इन्होंने बताइए तकी अहमद मासूद खान और बाबू खान ने, इन सब लोगों ने मिल करके 20,000 मुसलमानों को इकट्ठा करके अपने घर में बैठा लिया और असलाह लेके मार करने के लिए आमादा हो गए कि इससे मूर्ति नहीं निकलेगी। तब जेम साहब जितने अधिकारी सब लोग आए, जब इधर को मोड़ा गाड़ी तब सबने विरोध किया कि मूर्ति हमारी इधर जा रही थी अब इधर नहीं जाएगी, या मूर्ति हमारी नहीं इधर जा रही तो मेरी मूर्ति रख दी जाए और मैं उसका पूजा करूंगा। उसके बावजूद पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करना शुरू किया, मर्दों को ऊपर पहले चार्ज किया तो वो भाग गए, महिलाएं बची वो बैठ गईं फिर करते आगे, तब महिलाएं को ऊपर भी लाठी चार्ज शुरू किया गया। सर कल रात में जो घटना हुई थी आज क्या स्थिति है पूरी? कल प्रशासन ने, जैसा आप सबको ज्ञात है, मराव गांव में नए रूट से दुर्गा प्रतिमा ले जाने के लिए लोग जिद कर रहे थे, उसके लिए वो धरने पे हर तरह से प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो स्थिति थी उसके सापेक्ष ये उचित पाया गया कि प्रतिमा को नियत मार्ग से ही ले जाया जाए। उनसे सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की वार्ता जब विफल हो गई तो प्रशासन ने मूर्ति को अपने कब्जे में लिया और उसका परंपरागत रूप से परंपरागत मार्ग से ले जाते हुए उसका विसर्जन सम्पन्न कराया। उसके सापेक्ष आज कुछ तनाव था और प्रातःकाल एक मोटरसाइकिल पर अटैक और उसको आग के हवाले किए जाने की घटना संज्ञान में आई। तुरंत हमने प्रमुख सचिव गृह से बात की, शासन को इसमें रडार पर लिया और वहां से हमें एक्स्ट्रा सीआरपीएफ और आरएएफ की और पीएससी की एक्स्ट्रा कंपनी मिली है जिसका डिप्लॉयमेंट हमने कर्नलगंज तहसील में और कटरा बाजार थाने और उनकी क्या बोलते हैं लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए उनका डिप्लॉयमेंट किया है और वो लोग मौके पर घूम रहे हैं। इस समय हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पे हैं, डीआईजी साहब और कप्तान साहब भी इसमें राउंड पर हैं। स्थिति नियंत्रण में है, थोड़ा सा तनाव है, उसको निकालने में एक दो दिन लगेगा। इन द मीन टाइम जिन जिन गांव में ये लोग प्रभावित हैं वहां भी हम अलग से मीटिंग कर रहे हैं, वहां के प्रधानों से बातचीत हो गई है, लोकल लीडरों से बात हो गई है और जो लोग इसमें चिन्हित किए गए हैं स्पेशली उन लोगों का जिनका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था और लोग पूरी तैयारी करके सड़कों के किनारे खड़े थे, उन लोगों को ऑलरेडी चिन्हित कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे स्थिति थोड़ी सी शांतिपूर्ण होती है हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, लोग भूल जाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना क्या होता है। सर कुछ लोगों मुकदमे भी लिखाए गए? एकदम, जिन लोगों ने मस्जिदों से ऐलान किया कि सब लोग सड़क पे आ जाओ डंडे लाठी लेकर के, ऐसे लोगों का चिन्हांकन हो गया। जो लोग अफवाहें फैला रहे थे कि साहब ये मर्डर हो गया और इतने मार दिए उतने कर दिए, ये सब उनके नंबर हमारे पास हैं, उनके व्हाट्सएप पे उन्होंने जो मैसेज किए हैं वो पास हैं, और जो लोगों ने पुलिस पर और अन्य सुरक्षा बलों पर पथराव किया या उनके डंडे उठाए वो भी हमारे संज्ञान में है, तो उनमें कार्रवाई की जाएगी।